मोही को इधर नाश्ता करा रही हूँ, चाय पराठा। अभी मोही खाएगा और स्कूल जाएगा तैयार होके। और इधर थोड़ा सा गद्दा वद्दा घिसका दी हूँ। बीरू इधर सोई है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। लेकिन आंधी पानी आया था एक दिन परसों, कोई राहत नहीं मिला है मोही। राहत मिला क्या? नहीं मिला। नहीं। अपने क्लास टीचर से कहो कि सर गर्मी की छुट्टी कर दीजिए, उधर जून में 10 दिन पहले खोल दीजिएगा, इधर 10 दिन पहले बंद कर दीजिए स्कूल, बहुत गर्मी हो रही है। दोपहर के 2 बजे तपती धूप में आना खल जाता है। हैं, बोलोगे सर से? नहीं यार, बोला हूँ मगर ना सर ने बोले ना कि ना अभी बड़े क्लास में आ गए, इसको भी झेलना पड़ेगा तुम्हें। इसको भी झेलना पड़ेगा, बड़े क्लास में आ गए, इसको भी झेलना पड़ेगा। फोर्थ क्लास कौन सा बड़ा क्लास है? बड़ा क्लास तो 9th 10th होता है। ठीक है, चलो फोर्थ क्लास में ही झेलो। लड्डू, अंडा गरम हो गया? वैसे ही गर्मी पड़ रही है ना? एकदम शांत कंटिन्यू रात भर बैठी है, अभी भी नहीं हुई है। जब इसको भूख लगेगी ना, जाएगी खा के चली आएगी। अब वहीं बगल में दाना रखे हैं इस कटोरी में, इसमें ये, लेकिन वो नहीं खा रही है। इस कटोरी में अभी दाना है, नहीं खाएगी, मत खाओ, घूम घूम के खाएगी। घर का खाना नहीं अच्छा लगता है ना? जोमैटो और स्विगी का खाना अच्छा लगता है ना डोकू? अपने घर का खाना नहीं अच्छा लगता है, जाओ घूम घूम के खाओ। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 18 अप्रैल, रामनवमी, थर्सडे। लेकिन आज मोही की छुट्टी नहीं है, उसके स्कूल का प्रशासन बहुत टाइट है, सो इसको स्कूल जाना ही जाना है। एक भी दिन का कोई छुट्टी नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई कुछ भी छुट्टी नहीं। तो रामनवमी का छुट्टी स्कूल में नहीं हुआ है, तो हम लोग घर पे मनाएंगे रामनवमी और मोही को स्कूल भेज देंगे। ठीक है, पकड़ मोही। रामनवमी तो कल था ना? रामनवमी आज है। कैसे? कल अष्टमी था। अच्छा, चलिए फिर चलते हैं। कल अष्टमी था, कन्या पूजन था, देखे सबके घर कन्या पूजन हुआ है। हाँ। सबके घर कल कन्या पूजन हुआ था, आज रामनवमी है, तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, बीरू खाना बना रही है। आप लोग ये मत कहिएगा मैं बाल मजदूरी करा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, वो अपनी स्वेच्छा से बना रही है। अच्छे से चलाओ, वो पास्ता बना रही है। मैंने चूल्हा नीचे कर दिया, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। खड़े होके ना सब काम, दिन भर खड़े रहो नहीं हो पाता है, इसलिए मैं खाना नीचे बनाने लगी हूँ। उधर पेपर वगैरह चिपका दी हूँ ताकि दीवार पे छींटा ना पड़े तेल घी का। अगर छींटा पड़ेगा तो सील पे ही लगेगा। हाँ, दीवार नहीं गंदा होगा। और इधर पूरा अलमारी रखा है, सिलेंडर रखा है। इधर मोही है, लिख रहा है, पढ़ाई कर रहा है। यहाँ इसकी कॉपी है सारी, ये सब पास्ता का सामान है। हिल रहा है, लाओ हम चला दो। टेढ़ा हो गया ना थोड़ा सा, हो गया सीधा। अरे रुको, हाथ गर्म होगा अभी, उसको पकने दो। पहले उसको प्लेट से ढकेंगे ना, तो जब वो हल्का हल्का उबलेगा, बर्तन वगैरह सब कुछ यही रखा रहता है, धीमे धीमे आंच पे पकने दे इसको, है ना। अब उसको छूना नहीं बिरू, गर्म होगा, 10 मिनट लगेगा, पहले पक जाए तब जाके उसमें कुछ मिलाया जाएगा। अब बिरू को लगी है भूख, कलछुल गर्म है बेटा, सूखे चला रही है, उसी में भी फ्राई करेंगे। आवाज ना कर बेटा, चल बाबू लिख दे जल्दी, जिद्दी लिखिए, चलो आगे बढ़ो, अगला लिखो। बीर को बहुत पसंद आ रहा है यहाँ पे कोने में खाना। बाढ़ कैसे लिखो? बाढ़ बा ह ब आ की मात्रा, बा ब आ की मात्रा, बा ढक्कन वाला ढ के नीचे बिंदी, बाढ़।
पास्ता रेडी है फ्रेंड्स। दीरू खा रही है, मोही खा रहा है और ये मेरा है। कुछ ज्यादा ही डाल, बस तीनों लोग खा, मसाला ज्यादा हो गया, तीखा हो गया ज्यादा ना बीरू। ये है ठंडा मसाला रेडी, सरसों लहसुन जीरा हरी मिर्ची और इतना टमाटर डालेंगे और सब्जी बनाएंगे। ये आलू लोबिया और भिंडी, तेल गरम हो गया, मसाला भून ले तब टमाटर का ग्रेवी डालेंगे, मस्त सब्जी बनाएंगे लटपट ठंडे हुए मसाले वाली चावल दाल सब्जी। आज का खाना रेडी, यह हो गया टमाटर का ग्रेवी, अब मस्त सब्जी बनेगी रेड रेड। सारा छींटा पड़ गया सब पे, दीवार पे भी पड़ा होगा। ये धनिया जीरा मरीच इतना छींटा पड़ रहा है ना, जल रहा है, बहुत गर्म है। नमक और मसाला हो गया, सब्जी मिला दे रहे हैं, ग्रेवी तैयार करेंगे, उसके बाद सरकार जी के लिए रोटी बनाएंगे। भी रसोई है, वाह क्या मसाला है, पंद्रह मिनट तक छोड़ देंगे, पकेगा, बॉयल होगा अच्छे से पकेगा। मैं चल रही रोटी बनाने, सब्जी रोटी दाल चावल दही, मस्त खाना। लड्डू अंडा गरम हो गया, वैसे ही गर्मी पड़ रही है ना, एकदम शांत कंटिन्यू रात भर बैठी है, अभी भी नहीं उड़ी है। जब इसको भूख लगेगी ना जाएगी खा के चली आएगी। अब वहीं बगल में दाना रखे हैं इस कटोरी में, इसमें ये, लेकिन वो नहीं खा रही है। इस कटोरी में अभी दाना है, नहीं खाएगी, मत खाओ, घूम घूम के खाएगी। घर का खाना नहीं अच्छा लगता है ना, जोमैटो और स्विगी का खाना अच्छा लगता है ना डोकू। अपने घर का खाना नहीं अच्छा लगता है, जाओ घूम घूम के खाओ।